गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज का जो वीडियो है वो फिफ्थ यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग का, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अभी आपके प्रेजेंट में आपको दिख रहा होगा सिलेबस क्या क्या चीज़ें हैं। फिफ्थ यूनिट जो है हमारा पैकेट स्विचिंग है। चार यूनिट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वो वीडियोज मिल जाएंगी। प्लस ये मेरा फिफ्थ यूनिट है, तो ये कंप्लीट होते ही मैं देखती हूँ नेक्स्ट क्वांटम कौन सा अपलोड करना है, और उसके बाद से उसके साथ ही मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैं क्वेश्चंस पेपर विद अ सोल्यूशन। तो प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये कन्फर्म हो गया है कि इस बार जो बच्चे हैं उनका MCQ एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं पहले कंफ्यूज थी कि अगर MCQ होगा तो मैं क्या करूँगी, मुझे उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे MCQ अरेंज करने पड़ेंगे फलाना ढिकाना। बट फाइनली ये कंफर्म हो गया कि आप लोग का जो है वो रिटर्न होगा, MCQ नहीं होगा। तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं और सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के जितने भी होंगे मेरे पास सैम्पल पेपर, वो मैं आपको अपलोड करूँगी विथ अ सोल्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि मैंने पढ़े हुए हैं, मैं उनके आपको विथ आंसर प्रोवाइड करूँगी। बट जो अदर ब्रांच के हैं, जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, CSIT है, इन ब्रांच के भी मेरे पास पेपर हैं, तो मैं इन ब्रांच के सोल्यूशन तो नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी। बट हाँ, मैं उन लोग के क्वेश्चन ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुए। जब मैं आपको सारे क्वेश्चन आपको बताऊँगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि या ये क्वेश्चन जो है हर पेपर में आया हुआ है। इस तरह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, जिससे वजह से आप अपने एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो मेरा कंप्लीट है, नेक्स्ट मैं वही स्टार्ट करने वाली हूँ। और साथ ही साथ कोई भी सब्जेक्ट अभी देखते हैं कौन सा किसकी क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगी। हाँ, एक लोग ने मुझे कमेंट किया था कि मैम मैथमेटिक्स के नोट्स अपलोड कर दीजिए 5 यूनिट के। तो मैथमेटिक्स के नोट्स नहीं है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, ये कर सकती हूँ मैं आपको कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता सकती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स फर्स्ट का उन्होंने मांगा था, तो मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता सकती हूँ। बट मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि 5 यूनिट के नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी, मुझे मुझे एक एक टॉपिक करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो मेरे पास टाइम नहीं है। बट या मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैथमेटिक्स के, वो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के संग बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग ने मुझसे ये कहा है कि मैम मैं आपके नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप लोग ने क्या बेल आइकन को प्रेस किया है या नहीं। अगर प्रेस किया है तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं किए तो अपना चेकआउट कर लीजिएगा, किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कोई बात नहीं। फिलहाल चलिए आप लोग देख लीजिए ये आज का जो PDF है।
आपने ये देख लिया, जो भी पीडीएफ था पांचों पांचों यूनिट का मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये जब एक क्वांटम सारे अपलोड हो जाएंगे तो मैं उस सबकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको, बट इन प्रेजेंट अभी नहीं मैं प्रोवाइड करूँ, तो अभी आपको वीडियो से ही काम चलाना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक लिए बाय बाय।